परंतु महाराज ये है कौन? ये आप हमसे पूछें, ये तो आपको हमें बताना चाहिए कि वो कौन है, बताइए। महाराज ये क्या बताएंगे, ज्ञानी हम, महाप्रतापी हम, महाविद्वान हम। आप ही बता दीजिए ना गुरुवर। वही कर रहे, पता लगाने गए थे महाराज, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ये देखिए, ये देखिए, ये चाकू। सर्वप्रथम हम उस शेषागिरी को ढूंढकर उसकी मूंछ काटते थे, तत्पश्चात उसकी दाढ़ी साफ करते थे, तत्पश्चात नमक लगाते, तत्पश्चात हरी मिर्ची लगाते, तत्पश्चात हम उसे। ए गुरुवर, आप उसे पकड़ने गए थे या उसका व्यंजन बनाने गए थे? क्या करने वाले हैं वो तो तब पता चलेगा ना जब वो हमारे हाथ आएगा। एक बार हमारे हाथ लग जाए तो। प्रणाम महाराज, कोई ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है, अनुमति है। क्षमा महाराज, क्षमा। निर्णय उचित है आपका। हाँ महाराज, कृपया बुलवाइए उसे। अनुमति है। गिल्ली डंडा में निपुण। ये क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, वहीं रुक जाइए। ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो कहाँ हो तुम? हम तो इनके भीतर छिपी हुई कला को देख रहे। कला देख रहे? भिक्षा मांगने की कला में निपुण। आप लोग कहीं भी भिक्षा मांग सकते हो, किसी से भी भिक्षा मांग सकते हो। महोदय, मैं भली भांति से जानता हूं कि मैं महान महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में हूं। आप ही हैं वो जो छिपी हुई कला को ढूंढ निकालते हैं, अर्थात ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी। परंतु आप यहां क्यों आए? पिटने। हम वो करने आए जो व्यक्ति पूरे जीवन भर करना चाहे तो भी नहीं कर पाता। हम लोगों के भीतर में छुपी हुई कला को बाहर निकालते, उनके अंतर मन में देख के उनका आत्मज्ञान जगाते, हम जन कल्याण करते। अरे छोड़िए छोड़िए, स्वयं को ज्ञानी और अंतर्यामी कहने वाला वास्तविकता में सबसे बड़ा पाखंडी होता है। गुरुजी, चुप हो जाइए, क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो आप हमेशा करते हैं। हमारी बात पृथक है। सत्य कहा आपने, आपकी बात पृथक है, क्योंकि आपके भीतर छिपी हुई कला भी कुछ ऐसी ही है। क्या? बताइए बताइए, हमारी छिपी कला क्या है? हरी सभा के बीच में बता दें। रोक लीजिए इसे, अन्यथा अन्यथा सम्मान सारा लुट जाएगा, भांडा फूट जाएगा। इस छुपी कला के चक्कर में पूरा जीवन छुप छुप के गुजारना पड़ेगा आपको। सत्य का गुण, हमें तुम्हारे तुच्छ मुख से कुछ नहीं सुनना है। आप इन्हें छोड़िए, मेरी छिपी हुई कला के विषय में बताइए, बताइए। आपके भीतर छिपी हुई कोई कला नहीं। ये लीजिए महाराज। आपके कहने का तात्पर्य क्या? हमारे राज दरबार के विशेष सलाहकार, जिनके पास प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, उनके पास कोई छिपी हुई कला नहीं है जी। क्योंकि इनकी सभी कलाएं सर्वविद्यत हैं। परंतु महाराज, जहां से मैं आपको देख रहा हूं, तो आप में एक छिपी कला अवश्य है जिसे आप नहीं देख पा रहे।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। ध्रुवर, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हम में कोई छिपी हुई कला हो ही नहीं सकती है। हाँ महाराज। नहीं महाराज, हम ये नहीं कहना चाहते। हम कहना चाह रहे हैं कि आप में है, छुपी कला है, परंतु उसके विषय में इसे कैसे ज्ञात हो सकता महाराज? इसके विषय में तो हम जैसा व्यक्ति बता सकता है जिसके पास मंत्रों की शक्ति है, ब्रह्म दृष्टि है। और हमारी ब्रह्म दृष्टि ये कह रही है महाराज कि ये व्यक्ति सबको मूर्ख बना रहा है, और अब आपको भी। हाँ हाँ महाराज, मेरा भी यही विचार है, क्योंकि यदि किसी में छिपी हुई कला होती भी है तो वो समय के साथ अपने आप बाहर आती है, किसी के बताने से बाहर नहीं आती। आप सब क्या समझते हैं कि हम ढोंग कर रहे? हम काशी में कड़ी तपस्या करके आए, अंतर मन काल सिद्धि को प्राप्त करके। आपको चाहिए तो आप उदाहरण ले सकते हैं, हम उदाहरण देने के लिए तैयार हैं। आपका उदाहरण हमें नहीं चाहिए। मेरे पत्नी के हाथों में धनुष बाण थमाकर आपने मेरा जीवन संकट में डाल दिया है। अवश्य उनसे कोई भूल हुई है, हमने उन्हें धनुष बनाने की कला के बारे में बताया था, धनुष चलाने के लिए नहीं कहा था। और मेरी पत्नी से क्या कहा था कि उसके पास मालिश की कला है? अवश्य, परंतु जानवर की मालिश की, और खास करके भैंस की। और वरुण माला को क्या कहा? तुम्हारी उंगलियों में कला है। अवश्य उनकी उंगलियों में कला है, परंतु हम उनकी कला प्रत्यक्ष रूप से अभी देख नहीं पाए। हमें खेद है, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी उंगलियों में ईश्वर ने कोई ना कोई कला अवश्य डाली हुई है। समय आने पर हम जरूर बताएंगे। और आपने महारानी चिन्ना देवी से क्या कहा कि ईश्वर ने उन्हें संगीतकार बनने की कला दी है, छिपी हुई कला? विचित्र है कि उन्होंने भी गलत समझा। उनके पास संगीतकार बनने की कला नहीं, संगीतकार को पहचानने की कला है। वैसे जैसे आपके पास शत्रुओं को पहचान कर उनको हृदय से जीतने की कला है। केवल हृदय से नहीं, तलवार से जीतने की भी कला है हम में। महाराज, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके पास हृदय जीतने की कला है। मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ये कोतवाल, इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। सोच लीजिए महाराज, अगर बात सत्य साबित हो गई तो बिना कारण दंड देने के लिए आप एक अन्यायी राजा कहलाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिमा तक हमारी बात अवश्य सिद्ध हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्या होगा पूर्णिमा तक? पूर्णिमा तक इसे दंड से भागने का अवसर मिल जाएगा, और क्या। हम क्यों भागेंगे? हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने तो नेक कार्य किया। हम अपने अंतर मन काल सिद्धि द्वारा लोगों के मन में छिपी कला को बाहर निकालने का, और इस कार्य को सिद्ध किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, और इसके लिए हमें कोई दंड भी नहीं दे सकता। ये एक पाप होगा। तो ये नेक कार्य आप कहीं और जाके कीजिए। कोतवाल, इन्हें द्वार का मार्ग दिखाया जाए। चलिए यानी जी, चलिए आइए। मंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। बताइए आज का मुद्दा क्या है? महाराज, आज कोई विशेष मुद्दा नहीं है, क्योंकि कल आपको सलेम के शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। आने वाली पूर्णिमा के शिव भगवान के रुद्राभिषेक हेतु महाराज। जी जी, ज्ञात है हमें। परंतु आपको ये विदित नहीं है कि वहां किससे भेंट होने वाली है, कैसे बताएं आपको? महाराज को बताना तो होगा कि वहां उड़ीसा नरेश गजपति आ रहे हैं, परंतु कैसे बताऊं? यदि महाराज आप न जाना चाहें तो। हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्या है महाराज कि वो भी आ रहे हैं। वो कौन? अब गजपति। गजपति कौन?
महाराज वो राज राजेश्वर तिलकधारी धनुर्धर महाधव महाबली योद्धा वो उनका कोई नाम तो होगा महामंत्री जी। आपने उनका नाम लेने के लिए मना किया है महाराज। इतनी प्रशंसा किए जा रहे हैं आप, नाम लीजिए उनका, कौन है वो? ओडिशा नरेश गजपति प्रताप रुद्र देव। तो उनका नाम इतने अभिमान से लेने की क्या आवश्यकता है? आपके राजा हम हैं या वो? अवश्य महाराज आप। और यदि वो आ रहे तो हम क्यों नहीं जाएंगे? भयभीत होते हैं क्या हम उनसे? हम अवश्य जाएंगे, वो आ रहे हैं तो हम अवश्य जाएंगे। और इस बार रुद्राभिषेक हमारे ही हाथों होगा। जी अवश्य। पुरोहित जी, रुद्राभिषेक आरंभ किया जाए। पुरोहित जी, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक आरंभ किया जाए। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? महाराज अधिराज शूरवीर धर्मपरायण कलिंग नरेश गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव पधार रहे हैं। क्या हुआ पुरोहित जी, आप क्यों कांप रहे हैं? कांपू नहीं तो क्या करूं, सामने बाउंडर खड़ा है, दूसरी दिशा से चक्रवात आ रहा है। ये क्या हो रहा है गुरुवर? पंडित रामकृष्ण प्रलय के विषय में सुना है? हाँ। तो ये प्रलय से पहले की शांति है, समझ लीजिए प्रलय आने वाली है। ये गजपति प्रताप रुद्रदेव नाम से ही नहीं अभी तो दिखने में भी प्रतापी है, मुख पे एक योद्धा का तेज है, परंतु इन्हें हम भी तभी प्रणाम करेंगे जब ये हमें नमस्कार करेंगे, हम भी राजा है। दिखने में किसी महायोद्धा से कम नहीं लगते, परंतु इन्हें नमन तो हम तब करेंगे जब ये हमें प्रणाम करेंगे। मनी, लगता है इनकी भी दो दो रानियां हैं। नहीं नहीं मनी, ये रानी नहीं, कुछ और ही है। जो भी है, लेकिन हमारे गुरुजी को देख के आंखें क्यों टिमटिमा रहे हैं? गुरुजी, इनके विचार कुछ देख नहीं लग रहे हैं। इन दोनों पंडितों को देखकर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये करते आपको लज्जा नहीं आती? नहीं आती? कैसा व्यक्ति है? आप त्रुटि कर रहे हैं महानुभाव, ये हमारे मामा महामंत्री जी हैं और ये इनका मुद्रा दोष है। अत्यंत विचित्र मुद्रा दोष है। गुरुवर जी महाराज, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुवर। रुद्राभिषेक? हाँ हाँ महाराज, रुद्राभिषेक। पुरोहित जी, रुद्राभिषेक करवाइए। मामा महामंत्री, हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज गजपति रुद्र प्रताप देव करेंगे। नहीं, सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज कृष्णदेवराय करेंगे, वो विजयनगर के राजा। विजयनगर के राजा हमारे महाराज गजपति हैं। अर्थात उड़ीसा के राजा हैं, सर्वप्रथम वही रुद्राभिषेक करेंगे। सर्वप्रथम हमारे महाराज यहाँ पर पधारे हैं तुम्हारे महाराज से पहले, इसलिए रुद्राभिषेक इन्हीं के हाथ होगा।
हमारे महाराज इस संसार में प्रथम पधारे थे, वही करेंगे क्योंकि वो आयु में भी बड़े हैं। हमारे महाराज ऊंचाई में बड़े, उनके हाथों होगा। ये कौन है? ये हमारी सुपुत्री जगनमोहिनी है, अत्यंत रूपवती है। इतनी क्या प्रशंसा कर रही है महारानी तिरुमलम्बा? हम तो बस बता रहे हैं कि अत्यंत रूपवती है, परंतु हमसे कम। जगन मोहिनी रामा को ऐसे क्यों देख रही है? जगन मोहिनी तो महाराज को ऐसे देख रही है जैसे मां। क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अचानक से युद्ध के शंखनाद के साथ शहनाई सुनाई दे रही है। पुरोहित जीता है, रुद्राभिषेक महाराज जी करेंगे। गुरुवर जी। गुरुवर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अर्थात हमारे महाराज श्री कृष्णदेवराय के हाथों ही होगा। हाँ, 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 हाँ। हम बोलेंगे सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज ही करेंगे। पुरोहित जी हमें तलवार दिखाता है। हमारे महाराज रुद्राभिषेक करेंगे। पुरोहित जी सत्य कह रहे। गुरुवर पुरोहित जी आप तैयारी कीजिए, रुद्राभिषेक तो हमारे महाराज ही करेंगे। पुरोहित जी आप रुद्राभिषेक आरंभ करवाइए और शीघ्र आरंभ करवाइए। सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे हाथों से होगा। पुरोहित जी ये अभी ठीक हो जाएंगे, हम इनके लिए काढ़ा बना कर लाते हैं। आप लोग चिंतित ना हो, मैं इन्हें अभी ठीक करके ले आता हूँ। गुरुवर सहायता तो कीजिए। हाँ मम्मा, यहाँ इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है, ये जगन मोहिनी महाराज को ही निहारी जा रही है। आराम से मैंने जब पानी लेके ला रहा हूँ। रोहित जी हटी पानी आ गया। आप मूर्छित नहीं हुए थे? मृत्यु से उचित था मिथ्या का मूर्छित होना। जी अच्छा, अब जब नकली मूर्छा से बाहर आई गए हैं तो चलिए चलकर परिस्थिति को संभालिए। देखिए ऐसी स्थिति में जहाँ इतनी सारी तलवारें बाहर निकली होती हैं, दो ही वस्तुओं का संभालना अति आवश्यक होता है। क्या? अपनी धोती और अपने प्राण। अरे अरे पुरोहित जी, अरे गुरुजी पुरोहित जी तो स्वयं ही भाग निकले, आप दोनों राजा को कौन संभालेगा? गुरुवर अब तो हम दोनों को ही उन्हें संभालना होगा। हम दोनों को नहीं, केवल आपको पंडित रामा कृष्णा। ऐसा ना कहें गुरुवर, हमने नहीं संभाला तो वहाँ उन दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। तो अच्छा है युद्ध हो जाए है? वैसे भी हमें वो टिमटिमाती आंख वाला मामा महामंत्री बिल्कुल पसंद नहीं। यदि युद्ध हुआ ना तो हमें भी उसे 4-5 थप्पड़ मारने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं गुरु जी, मच्छर तो मारा नहीं जाता। अरे मूर्खो तुम नहीं जानते, हम अपने मंत्रों की शक्ति से बड़ी सेना को भस्म कर दें। ये मामा 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 क्या वस्तु है? सेना भस्म कर सकते, मेरा साथ नहीं दे सकते। नहीं दे सकते है?
उचित है तो दोनों राजाओं को मैं ही संभाल लेता हूँ। तत्पश्चात दोनों राजाओं से जो भी पुरस्कार मिलेगा ना, सब मैं अपने पास रख लूंगा। संभावना, दक्षिणा, चढ़ावा, जो कुछ भी मिलेगा सब मैं। रुकिए, क्या करना होगा? करना नहीं, करवाना होगा। परंतु क्या? दोनों राजाओं से रुद्राभिषेक।